तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज है वो है अमेजोन इंडियन फेस्टिवल सेल को लेके। ये जस्ट खत्म हुआ और फिर से शुरू हो गया। 24 अक्टूबर से ये सेल शुरू होगा, 24 अक्टूबर 12 PM से 28 अक्टूबर तक ये सेल रहेगा। उसके बाद जो न्यूज आता है वो है वन प्लस 60 को लेके। और एक लीक यहाँ पे सामने पे आया है वो है ये तीन वेरिएंट में आएगा, 6 GB, 128 GB, जिसका प्राइस है 37,999 रुपीज यानी कि 38,000 रुपए। उसके बाद आता है 8 GB, 128 GB, उसका प्राइस है 40,999 यानी कि 41,000। उसके बाद आता है 8 GB, 256 GB, उसका प्राइस है 44,999 यानी कि 45,000। और आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आप वन प्लस 60 को लेके एक्साइटेड हो या नहीं। तो अगला अपडेट आता है कि वोडाफोन के न्यू प्लान को लेके, जो इंटरनेट से ज्यादा कॉलिंग में अपना टाइम ज्यादा देते हैं उसके लिए उन लोगों के लिए न्यू ऑफर आया है 28 दिन तक। वो है 99 रुपए में अनलिमिटेड लोकल कॉल, स्त्री कॉल प्लस रोमिंग कॉल। और 109 यानी कि 109 रुपीज में आया है अनलिमिटेड लोकल कॉल, स्त्री कॉल प्लस रोमिंग कॉल प्लस 1 GB डेटा 28 दिन के लिए 3G या 4G। उसके बाद जो अपडेट आता है वो है व्हाट्सएप के न्यू फीचर्स। व्हाट्सएप का जो डिलीट फीचर्स था वो पहले 7 मिनटों का था, उसको बढ़ाकर 1 घंटा 89 मिनट 16 सेकंड कर दिया था iOS मोबाइल के लिए। और उसके बाद भी एक चेंज लेके आया है व्हाट्सएप, वो है उसको बढ़ाकर, डिलीट का ऑप्शन बढ़ाकर उसको लेके आया है 13 घंटे 8 मिनट और 16 सेकंड के लिए। उसके बाद जो अपडेट आता है वो है वीवो को लेके। वीवो Z3 चाइना में लॉन्च हो चुका है। उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो दोनों वेरिएंट में आएगा। पहला वेरिएंट जो है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670, वो उसमें होगा 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी। और दूसरा जो वेरिएंट आता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 विथ 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी, या फिर 128 GB इंटरनल मेमोरी। जो 4 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी है और जो स्नैपड्रैगन 670 में आता है उसका प्राइस है 16,900 रुपए। और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 को लेके आता है यानी कि 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी या 128 GB इंटरनल मेमोरी को लेके आता है, उसका प्राइस है करीब करीब 20,100 रुपीज। और उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, ये ओरियो में चलेगा, एंड्रॉइड 8.1.0 में, 3,315 mAh का बैटरी है, 16 और 2 MP बैक कैमरा है, 12 MP फ्रंट कैमरा है, वाटर डॉप नॉच है। इसके बाद जो अपडेट आता है वो है एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर। वो 30 अक्टूबर हॉवर्ड गिलमैन ओपेरा हाउस न्यूयॉर्क में सुबह के 10 AM में होगा, आईपैड लॉन्च हो सकता है इसमें। तो आप बताना क्या आप एप्पल को कोई न्यू प्रोडक्ट को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो गुड बाय फॉर नाउ, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।